हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। जो इसराइल और हमास के बीच में जो टेंशन्स वॉर चल रहा है, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बंधक है वो अभी भी हमास के कब्जे में है और वो जब तक नहीं छोड़े जाते तब तक ये जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं होगा। अभी फिलहाल गाजा के अंदर कह रहे हैं कि इसराइली जो सैनिक है वो एंटर हो चुके हैं, तो लेट्स सी, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ये पिक्चर क्लियर हो। अभी निफ्टी देखे तो लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से बाउंस बैक दिखा रहा है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो हमने थर्सडे को किया था, वीकेंड में कुछ बाहर जाना था इसके लिए फ्राइडे को वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन जो थर्सडे का वीडियो है आपको याद होगा हमने वहां पर एक पैटर्न की बात की थी, 20 और 50 का निगेटिव क्रॉसओवर। यानी 20 EMA, ये ब्लू लाइन जो है ये 50 EMA का है और ये पिंक लाइन 20 EMA का है। ये जब निगेटिव क्रॉसओवर होता है, 20 EMA 50 EMA को नीचे की तरफ जब काटता है और इसके नीचे 100 EMA होता है, तो जब ऐसा पैटर्न आता है तब एक प्राइस एक्शन में हमें एक बाउंस बैक दिखाई देता है। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो आपको ये पैटर्न पता होगा, जब जब ये पैटर्न आता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि प्राइस एक्शन में बाउंस बैक होता है। तो यहाँ पर अभी लास्ट दो ट्रेडिंग सेशंस में हमें एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और ये जो कैंडल था फ्राइडे का, यहाँ पर पीवट बार रिवर्सल पैटर्न भी बना है, यानी डाउन ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जिसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज से ऊपर होता है और प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है, इसे पीवट बार रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो ये जब भी आता है तो हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का भी सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी फ्राइडे के दिन के बाद ये आज का मंडे का कैंडल भी देखिए, आज भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ जंप देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइंस को ड्रॉ किया था, आपको याद होगा ये जो लेवल है जहाँ पर कुछ महीनों पहले एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पर भी जून के महीने में बार बार ये 18,850 900 के पास ये जाके ये पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को, तो ये हमारी सपोर्ट लाइन थी। तो यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है और इसके नीचे अगर 850 को अगर ये तोड़ देता है तो उसके नीचे सपोर्ट जो है ये अराउंड 18,550 के आसपास आ रहा है, जो नेक्स्ट सपोर्ट का लाइन है यहाँ पर। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स थी, तो फिलहाल 850 को इसने रिस्पेक्ट किया है और 2 दिन यहाँ पर बाउंस बैक दिखा रहा है। तो अगर ये एक्सटेंड होता है और भी ऊपर की तरफ तो पहला हर्डल तो अभी ये फिर ग्रे लाइन का बन जाएगा जो कि अराउंड 19,300 के पास है, तो 19,300 पहला रेजिस्टेंस है अगर ऊपर की तरफ आता है तो। और नीचे की तरफ अगर 18,850 अगर टूट जाता है, ये जो रेड कैंडल बनी है लास्ट वाली ये टूट जाती है, तो और भी यहाँ से निफ्टी में जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने देख लिया कहाँ पर आ रहा है एज पर डेली चार्ट। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं ये देखते हैं। इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। 60 मिनट के चार्ट में ये भी था कि RSI जो है सपोर्टिंग इंडिकेटर, ये 0 to 30 के जोन में पहुंच चुका था, लगातार 3 4 दिन से ट्रेंड कर रहा था इसी के एरिया में, और यहाँ से हमने देखा है लास्ट 2 दिन से ये यहाँ से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पर अभी अगर पैटर्न को देखे 60 मिनट के, तो इसने पहला हर्डल ये पिंक लाइन इसको ब्रेक कर दिया है। अभी और ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये ब्लू लाइन जो है 50 EMA का, ये अराउंड 19,230 के पास है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल जो है ये अराउंड होगा 19,172। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 19,204, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जो कि 19,229 के पास है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ब्रेकडाउन लेवल हमारा होगा ये पिंक लाइन, क्योंकि फर्स्ट सपोर्ट यही है यहाँ पर 60 मिनट के चार्ट में, इसके जस्ट नीचे 19,077 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 19,047 और सेकेंड टारगेट होगा 19,023, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से, अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर भी सेम पैटर्न बन रहा था, 0 to 30 ओवरसोल्ड जोन में से ये बाहर आ चुका है। अभी यहाँ पर देखे बैंक निफ्टी तो आप देख सकते हैं
निफ्टी पिंक लाइन को ब्रेक कर दिया था और ब्लू लाइन की तरफ बढ़ रहा था। बैंक निफ्टी देखिए एग्जैक्ट ब्लू लाइन के पास आ जा, हाई इसने बनाया है और रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पर। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए वो ब्लू लाइन के जस्ट ऊपर होगा, यानी 43,152 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा तभी 43,271, सेकेंड टारगेट होगा 43,372। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर से आज बाउंस बैक हुआ और फर्स्ट इसने रेड कैंडल बनाया। तो इस रेड कैंडल का जो क्लोज है ये अराउंड 42,916 के पास है, ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल। फर्स्ट टारगेट होगा ये पिंक लाइन जो कि 42,815 के पास है और सेकेंड टारगेट होगा 42,700, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पर कॉल करना है हमें ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके।